गांव के बाहर कोटि कोटि रुपया खर्चा करके मशीन दिए हैं, जो मशीन गांव के बाहर लगे हुए हैं। मशीन दिए किसने हैं? केंद्र सरकार ने दिए, मोदी सरकार ने। किसके लिए? त्रिपुरा के लोगों को पीने का सफा पानी मिले, इसलिए दिए हुए। लेकिन आज त्रिपुरा में 90% प्यूरिफिकेशन के मशीन बंद पड़े हुए हैं। ये बंद पड़ने का कारण क्या है? क्योंकि उस मशीन की सफाई करनी पड़ती है, और वो सफाई करने का जॉब किसको मिलता है? जो सीपीएम का झंडा उठाकर चलता है उसको वो जॉब मिलता है। तो पार्टीबाजी करने वाले को काम मिलेगा, और ये पार्टीबाजी करने वाले जो है ये बोलते हैं कि अगर मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ तो जो काम मुझे मशीन के सफाई का दिया है वो मैं काहे को करूँ, वो काम करने की जरूरत क्या है? और इसलिए वो बैठे बैठे सैलरी खाता है और मशीन के सफाई का काम नहीं करता है। सीपीएम बुलाती है तब मोर्चा मीटिंग में चला जाता है। उसको ऐसे लगता है कि मुझे जो सैलरी मिल रही है ये सैलरी मशीन के सफाई की नहीं मिल रही है, मुझे जो नौकरी दी है ये तो सीपीएम पार्टी ने दी है, और इसलिए मैं मशीन की सफाई नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? और ये जो लोहा होता है ये ट्यूब में से जब सफा होता है तब वो कचरा जमा हो जाता है, और दो तीन दिन बाद अगर उस ट्यूब की सफाई नहीं की तो मशीन बंद पड़ जाता है। और इस तरह से पार्टीबाजी के कारण सारे त्रिपुरा के अंदर 90% प्यूरिफिकेशन के मशीन बंद पड़े हुए हैं। इन मशीनों को रिपेयर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अलग से पैसा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से ये वामफ्रंट सरकार वो पैसा भी खा गई और वो मशीन रिपेयर करने का काम भी नहीं हुआ। इसका मतलब गंदा पानी पीकर मरने के लिए आपको छोड़ दिया है। आपकी केंद्र में यहाँ पर अगरतला में बैठे हुए वामफ्रंट सरकार को आपकी फिक्र नहीं है, उनको फिक्र किसकी है? सीपीएम पार्टी की फिक्र है, और पार्टी के गिने चुने नेताओं की फिक्र है।